हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आज बहुत दिनों बाद, लगभग 15-20 दिन बाद मेरी वापस वीडियो आई है। उसके बहुत सारे रीजन थे, एक रीज़न नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जो है मोना का ईयरफोन लेवलियर माइक्रोफोन है, ये मैंने ऑर्डर कर दिया था बहुत पहले ही, और मैंने पिछली वीडियो में यूज़ भी किया था। जिन लोगों ने नोटिस किया, जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी उसमें भी यूज़ किया था, और उसके नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने इसको यूज़ किया था। और मैंने उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना के सब रेडी था, बट वो सीक्वेंस वाइज डालने के लिए मैंने डाली नहीं थी। इसको वेट किया और इसको SD कार्ड में सेव करके रख लिया, पूरी वीडियो एकदम एडिट सब कुछ करके रख लिया। बट क्या करें, अब हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो SD कार्ड करप्ट हो गया और उसके अंदर की सारी डेटा चली गई, सब कुछ गया गाइस, सब कुछ। तो अब करते क्या, वो वीडियो तो वही अब वापस रीशूट करनी पड़ती। वो वीडियो रीशूट मैं आज इतने दिन बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा बिजी था, क्योंकि अभी मेरे घर में मेरे भैया और की शादी थी। तो आप भी जानते हो, शादी के टाइम में तो ये सब वीडियोस बना नहीं सकते, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता घर में। और प्लस अगर अकेले मैंने बनाना भी चाहे तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा साउंड बजता रहता है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो मैंने आज बहुत दिन बाद में ट्राई किया कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी डाल दूंगा, बहुत जल्द जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसे बना के रेडी करके डाल दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, और हाँ, इसमें मैं दो प्रोडक्ट्स कंबाइन करूंगा, एक तो ये जो लेवलियर का माइक्रोफोन होगा ये, और एक ये, और ये चिन माउंट होता है हेलमेट का, जो कैमराज वगैरह लगता है एक्शन कैमरा उसका। तो मैं इन दोनों का डिटेल आपको अच्छे से दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और इसके अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग इस मोना के लेवलियर माइक्रोफोन की। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके कुछ ही स्पेसिफिकेशंस हैं, और ये है मोना का AU400 मॉडल नंबर है इसका। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है साउंड की। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के, बहुत से मैंने नोन्स के समझ के लिया है, बहुत लोगों को पूछ के, तो इसको करके साइड में। और इसमें मिलता है हमें ये इसकी नीड मोर हेल्प, ये सब कुछ मिल रहा है, ये दो कार्ड्स मिल रहे हैं इसमें, स्पेसिफिकेशन एंड मॉडल नंबर ये सब के ये भी रखते हैं साइड में। और मेनली तो हमें ये मिल रहा है इसके अंदर एक्स्ट्रा दो क्लिप्स एंड ये एक टू पोल, जो बोलते हैं टू पोल वाला ऑडियो पिन, जैसे कि DSLR दौर में टू पोल वाला डलता है, देख पा रहे होंगे। और ये दो क्लिप्स मिलती है जो कि सेट होती है, ऐसे दो हैं, एक ये रही है और एक और लगी है। तो इन सबको भी करते हैं साइड में, बढ़ते हैं मेन माइक्रोफोन की तरफ। तो जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि YouTube वीडियोस के लिए बोया का माइक या फिर मोना का माइक, ये दो बहुत ही बेस्ट रहते हैं। नो डाउट इनके अलावा भी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज है, रॉड की वगैरह और भी, बट लेवलियर माइक्रोफोन में ये सबसे बेस्ट रहते हैं। इसका पैकेजिंग देखो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, ट्रैवल कैरी के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए वगैरह। तो ये इसका मेन माइक, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेंथ में भी मिलता है हमें, बहुत लंबा है, इन रियल लाइफ अगर देखें तो भी बहुत अपना काम चल जाता है आराम से। अगर आप एक वॉल साइड में फेस करके बैठे हो एंड दूसरी साइड में अगर वीडियोज़ बना रहे हो तो बहुत सही लेंथ है इसकी। तो देख सकते हो यहाँ से ऐसा कुछ मिलता है, ये रिमूवेबल मिलता है हमें, इसको निकाल भी सकते हैं हम। ये असली माइक, ऐसा कुछ मिलता है हमें ये माइक। एंड ये अगर हमें DSLR वाली पिन लगानी हो तो उसको हम यहाँ से इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट टू पोल वाली पिन DSLR में डल जाती है। और टू पोल और थ्री पोल में डिफरेंस देख सकते हो आप गाइस, इसमें थ्री पोल है और इसमें टू पोल है। तो मेरे हिसाब से माइक का रिव्यू इतना बहुत होगा, काश आप, और आप समझ ही गए होंगे कि कैसा है ये माइक। और ऑडियो क्वालिटी भी मैं ज़रूर टेस्ट करवाऊंगा, उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बट उससे भी पहले हमारे पास एक और अच्छी चीज़ है जो मैंने सोचा अलग अलग वीडियो के जगह एक साथ ही बता दूँ। जिन लोगों को पैकेजिंग से पता चल गया है कि क्या है तो वो तो समझ ही गए होंगे, और अभी भी अगर कोई नहीं समझा तो उन्हें मैं अच्छे से बता देता हूँ कि क्या है और किस काम में यूज़ आता है, एवरीथिंग सब कुछ दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले जल्दी से इसे खोलते हैं, ये प्लास्टिक बड़ी बज रही है तो इसको करते हैं साइड में। और ये देखो गाइस, ये है चिन माउंट, हेलमेट चिन माउंट एक्शन कैमरा,
ये देखो ऐसा कुछ है, ये बिल्ड क्वालिटी में बहुत प्रीमियम प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक यूज़ हुआ है इसमें, और पीछे ये इलास्टिक सॉफ्ट रबर। तो ऐसा कुछ होता है गाइस, ये देखो ये यहाँ से स्क्रू खुल के ये जी माउंट है, एंड यहाँ पे एक्शन कैमरा माउंट हो जाता है, और ये पीछे से चिन स्ट्रैप्स है जो कि हेलमेट के अंदर से जाके बंद जाते हैं। जैसे ये हुआ ऐसा, ये पीछे से सारे लॉक हो जाते हैं हेलमेट के, फिर ये टाइट है और ये ना तो टूट सकता है माउंट, ना आपके कैमरा को रिस्क है वो ना गिर सकता है, और ना ही ये कोई हाई स्पीड पे इसको कोई स्टेबिलिटी के लिए इशू हो जाए, जैसे कि ये ऊपर नीचे अपने आप होने लग जाए कैमरा, तो कुछ नहीं होगा। ये टाइट करने के बाद मेटल स्क्रू है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैंने सोचा ये एक मंगा लेना चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बहुत काम का है हमारे। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में लगाने की वीडियो अलग बनाऊंगा, अभी मैं आपको पहले अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे वीडियो की साउंड क्वालिटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनबॉक्सिंग तो बहुत अच्छी लग सकता हूँ। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आपने अनबॉक्सिंग तो कर दी, बट अनबॉक्सिंग के टाइम इतनी अच्छी साउंड कैसे आ रही थी। तो मैं उसका डाउट आपके मन से निकाल लेता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ अनबॉक्स करते हैं तो कैमरा हमारे जस्ट मुँह के पास या फिर फेस के इधर उधर ही होता है, तो उसके हिसाब से क्वालिटी, उसके हिसाब से वॉइस अच्छी, बहुत अच्छी आती है। तो जैसे कि अभी मैं बहुत दूर बैठा हूँ तो मेरे हिसाब से आई एम श्योर कि आपको मतलब, तो अभी जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ तो आई एम श्योर कि आपको आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, थोड़ी धीरे धीरे अजीब सी आ रही होगी। तो अभी मैं आपको स्विच करके बताता हूँ कि माइक्रोफोन की आवाज़ और इसकी आवाज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब वॉइस सुन के आदमी एकदम खुश हो जाता है। वीडियो वाली अच्छी हो या ना हो, ऑडियो अच्छी हो तो हमारे दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें बैठ जाती है। अभी मैं आपको ट्रांजिशन करता हूँ ऑडियो का, इन 3, 2, 1 गो। तो ये गाइस कैसे लगी आपको साउंड, उम्मीद करता हूँ कि इसमें और पहले वाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, वैसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं थी बट थोड़ी सी अनबॉक्सिंग थी। और हाँ, मैं ये आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि वो मेरा होगा फर्स्ट मोटो व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि आजकल अब थोड़ा कम होने लगा है कोरोना का डेंजर वगैरह ये सब, अब हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट मोटो व्लॉग की होनी चाहिए, मैं जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा और अपलोड कर दूंगा, और आप लोग उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। तो आज की वीडियो कैसे लगी ये बताना ज़रूर कमेंट में, और अगर कुछ भी फीडबैक हो तो वो देना, अगर वॉइस क्वालिटी फिर भी थोड़ी अच्छी ना हो और भी वीडियो में कुछ भी इशू हो तो वो ज़रूर कमेंट करना, मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।